जींद में आयोजित हो रही राजेंद्र सिंह कोच मेमोरियल हैंडबॉल प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे इनेलो सांसद दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का यह विदेशी दौरा अंतिम था, तो उन्होंने खेल मंत्री अनिल विज पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि डेफॉर्मेशन केस में विज को कोर्ट से जल्दी ही बर्खास्त करवा देंगे। इनेलो सांसद दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मुख्यमंत्री जो इंडस्ट्री के नाम पर विदेशी दौरे पर गए थे, यह रिटायरमेंट से पहले उनका अंतिम दौरा है, क्योंकि वह अपने इस विदेशी दौरे पर नहीं तो उद्योग मंत्री को लेकर गए और ना ही कुछ लेकर आए हैं, इसलिए उनका रिटायरमेंट से पहले विदेश का आखिरी दौरा है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज द्वारा जिला परिवेदना समिति के बैठक में अधिकारियों को सस्पेंड करने के बारे में पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि जो डेफिनेशन का केस चल रहा है उसमें वह कोर्ट के माध्यम से अनिल विज को ही सस्पेंड करवा देंगे। दुष्यंत चौटाला ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कोई भी वर्ग सरकार से संतुष्ट नहीं है, इसलिए पहले डॉक्टरों से लेकर अब सफाई कर्मचारी तक हड़ताल पर आ गए हैं, जिससे साबित होता है कि सरकार हर मोर्चे पर फेल हुई है। जींद से ऋषि मेहंदी रत्ता, आजाद टीवी न्यूज। कोई बात नहीं, उनको मैं कोर्ट में ले जाके सस्पेंड कर दूंगा, तैयारी है और जल्द उनके खिलाफ जो डेफरमेशन का केस है उसके लीगली हम प्रोसीड करेंगे। ठीक है, हैरान हो कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करते हुए मुख्यमंत्री विदेश गए, ना तो इंडस्ट्रीज के सचिव को साथ लेकर गए, ना इंडस्ट्री मिनिस्टर को लेकर गए। मेरे ख्याल से ये जो दौरा था, ये इंडस्ट्रीज लाने का दौरा नहीं, मेरे ख्याल से रिटायरमेंट से पहले आखिरी विदेश दौरा मुख्यमंत्री का। कि जिस प्रकार के हालात प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने कर रखे, एक चीज़ तो स्पष्ट है कि आज पूरी तौर पर ऐसा कोई महकमा नहीं है जो इस सरकार से संतुष्ट हो। आज होमगार्ड भी धरने पर बैठे हैं, पिछले दिनों आपने नर्सेज को भी डॉक्टरों को भी धरने पर देखा, अब सफाई कर्मचारी धरने पर है। एक चीज़ तो है कि सरकार केवल मात्र मनमानी और आला अधिकारियों के कहने से जो छोटे कर्मचारी उनको प्रताड़ित कर रही है, और आज कहीं ना कहीं उन लोगों का रोष सामने आ रहा है। मुख्यमंत्री ने एक आयोजन की बात करी, अवार्ड की घोषणा करी, और उसके बाद कहीं ना तो वो अवार्ड हुआ, ना वो घोषणाएं, ना वो शान सम्मान उन खिलाड़ियों को मिला, बल्कि एक भेदभाव जरूर कह दिया गया कि उन्हीं खिलाड़ियों को पैसे दिए जाएंगे जो हरियाणा के लिए खेलें। अगर हरियाणा का बेटा नेवी के लिए खेलता है, आर्मी के लिए खेलता है, किसी और पुलिस फोर्स या सेंट्रल सर्विसेज के लिए खेलता है, तो क्या उसको हरियाणा से हम अलग करने का काम करें? हमारे लिए तो गौरव की बात है।